अस्सलाम वालेकुम। वो खुफिया रास्ता जिसके बारे में उस्मान बेम जानना चाहते थे, इसके बारे में उस्मान बेम को खबर पहुंच जाएगी। बुरहान को इस रास्ते के बारे में पता चल चुका है कि वो रास्ता कौन सा है जो कि तरानूस किले की तरफ जाता है। ओलिविया ने आयशा को ख़त्म किया और कबीले से भाग निकली। आप सबको याद होगा, हमने आपको बताया था कि ये शक की नज़रों में है, इसका पीछा ज़रूर किया जाएगा। खैर, इसका पीछा किया गया और इस सुरंग के बारे में पता लगा लिया गया जो कि खुफिया सुरंग थी जो कि इमरान तेगन इस्तेमाल कर रहा था। आप लोगों ने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा होगा, बुरहान ने वो खुफिया सुरंग देख ली और ये भी देख लिया कि गुंदूज बेम को भी वहाँ पर ले जाया गया। गुंदूज बे तरानूस किले में है, अब यकीनन उस्मान बेम वहाँ पर हमला करेंगे। कुनूर बेम अंदर दाखिल हो जाएगा क्योंकि कुनूर ने अपने आप को ये साबित कर देगा कि वो इमरान तेगन का साथ देगा। वैसे तो पिछले एपिसोड में इमरान तेगन के साथी को ख़त्म किया कुनूर ने, लेकिन इमरान तेगन इसके इग्नोर कर देगा और कुनूर को अपने साथ में ले लेगा। खैर, कुनूर भी अंदर से मदद करेगा और बुरहान को सुरंग के बारे में पता चल चुका है। यकीनन अब एक मंसूबा तैयार किया जाएगा और किले को आने वाली एपिसोड में फतेह कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में आने वाली एपिसोड में किला फतह हो जाएगा या फिर एपिसोड के आखिर में किले का मुहासरा कर लिया जाएगा या फिर अंदर दाखिल हो जाएंगे, वहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगी और फिर जब इससे अगली एपिसोड आएगी किला फतह कर लिया जाएगा। और जब किला फतह होगा इमरान तेगन का भी खात्मा हो जाएगा। तो इन सब के बारे में आप सबकी क्या राय है, आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।